गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एमसीक्यू वाला और क्वेश्चन बैंक वाला पोर्शन, जो हम शुरू करेंगे लॉ के अंदर भी, सी इंटरमीडिएट एज वेल एज ऑडिट में भी। और आप लोग जानते हो कि आप लोगों के पेपर का 30% जो पार्ट है, यानी कि 100 में से 30 नंबर का जो पार्ट है, वो नाउ अभी हो गया है एमसीक्यू का, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी कवर रहेंगे। ठीक है, तो मैंने जो इसके लिए क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है, जिसमें करीब करीब एमसीक्यू की बात करूं तो 600 से ऊपर क्वेश्चन हैं। सेम उसी तरह से कुछ डिटेल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए भी, आरटीपी भी, सारा कुछ मिला करके। तो वो 30 मार्क का जो पूरा पोर्शन हमारा है एमसीक्यू का, और रिमेनिंग के अंदर से भी जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स वाला पोर्शन है, जो भी आप लोगों की रिवीजन में बहुत बड़ी हेल्प करेगा, तो लगभग आप समझ लीजिए कि पूरा 50 से 60 मार्क्स और उससे ऊपर का भी, वो हम लोग यहाँ पे सब कुछ कवर करने वाले हैं एज रिवीजन फॉर्म में। तो एमसीक्यू तो मैं पूरा का पूरा सारे ही आपके साथ कवर कर रहा हूँ, और उसके अलावा डिटेल क्वेश्चन भी। एक तरीके से मेरा जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक को पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, उसको मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आपसे शुरू करेंगे चैप्टर 1, और कंटिन्यूसली जैसा मेरा शेड्यूल बना हुआ है कि वीडियोस जो हैं वो लॉ के लिए एज वेल एज ऑडिट के लिए, एज वेल एज सीए फाउंडेशन वालों के लिए, और कुछ जनरल टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं वो अब लगातार आपके पास में आते रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग शुरू कर दे रहे हैं चैप्टर 1 पे अपनी बात। और चैप्टर 1 क्या कहता है, जो क्वेश्चंस, देखिए ये जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं ये मेरी बुक के अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं, तो आप जिधर से भी पढ़ रहे हो, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, जो भी स्टडी मेट से आप पढ़ रहे हो, हमने लगभग स्टडी मेट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आप जिधर से भी पढ़ रहे हो, आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ भाई, ये क्वेश्चंस हम लोगों के कोर्स में है और हमको इनको तैयार करके जाना है। ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको ये बता दूं कि हमारे कोर्स में सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 148 ये सीए इंटर के हमारे लॉ के कोर्स में इंक्लूड है। हालांकि इसमें से 1 से लगा के 22 तक के सेक्शन का कुछ पार्ट आप लोग फाउंडेशन के अंदर पढ़ करके आए हैं, तो यहाँ कई सारे वो टॉपिक भी आपको दिखेंगे जो 1 से 22 के अंदर है, बेसिक सा पार्ट है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सारे सेक्शन 148 तक के क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी, तो हमारी बात सीधे सीधे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डज नॉट इंक्लूड। अब आप लोग जानते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 77 में कंपनीज एक्ट में आपको रिलेटिव का डेफिनेशन दिया है, जिसमें टोटल सबसे पहले नंबर पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, देन स्पाउस हो गया, उसके अलावा 8 रिलेशंस इसमें इंक्लूड हैं। फादर है इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, ठीक है, सन लिया है इंक्लूडिंग स्टेप सन है, सन की वाइफ भी इसमें इंक्लूड है, देन उसके बाद में डॉटर, ठीक है, लेकिन स्टेप डॉटर इसमें इंक्लूड नहीं है। नाउ डॉटर का हस्बैंड हो गया, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, बराबर। तो अब ये जो 8 पॉइंट्स मैंने बोले, उसमें सन भी इंक्लूड है, सन की वाइफ भी है, डॉटर है और डॉटर का हस्बैंड भी है, लेकिन स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कि रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन सा रिलेशन जो यहाँ 4 ऑप्शन दिए उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेकेंड नंबर पे हम पहुंच गए, जहां पे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आपको दे के रखी और बोला इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है। अब बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनीज के अलावा हम लोग नेशनलाइज बैंक्स को, पीएफआईज को, और स्पेशल एक्ट में अगर कोई बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन तो उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमने इंक्लूड नहीं किया, या और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्सक्लूड करने को बोले तो वो भी एक्सक्लूड रहेगा। तो सीधा सीधा सा आंसर हो गया सी नंबर, कि भाई रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट के हिसाब से कवर नहीं है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जब आप इनकॉर्पोरेशन कंपनी का करवाते हैं तो उससे आपको फायदा क्या? सबसे पहले नंबर पे लिखा गया कि प्राइवेसी का लॉस हो जाएगा, जी नहीं, फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, क्वालिटीज में नहीं है, अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ेगी, और सेपरेट लीगल एंटिटी, तो जो क्वालिटीज आप लोग पढ़ते हो, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, तो
उनमें जो पॉइंट्स कवर हैं जितनी भी क्वालिटीज में, वो हमारा हो गया सबसे मेन पॉइंट सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट शेल अप्लाई टू। अब ये कहाँ एप्लीकेबल है, स्टार्टिंग सेक्शन ही जब आप वन से पढ़ना शुरू कर दें तो आपको समझ में आ जाता है कि भैया कंपनीज एक्ट का एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है। पहले नंबर पे हमने कहा कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हैं अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, कंपनी की डेफिनेशन यही कहती है 220 में, बराबर। नाउ इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगता है, सिवाय इन प्रोविजंस के जो इनकंसिस्टेंट हो प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और साथ साथ में IRDA के, तो ये भी सही है। बैंकिंग कंपनीज पे भी लगता है, एक्सेप्ट उन प्रोविजंस के जो इनकंसिस्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, ये भी सही है। तो हमारा आंसर नंबर हो गया डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन जो ऊपर था, तो डायरेक्ट इसका आंसर अपन ने वापस इसलिए बनाया क्योंकि वहां अपन ने ले लिया था डायरेक्टली रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहां हमने पूरा दे दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, खाली लाइन को चेंज किया, तो हमारा सेम आंसर बन जाएगा बी नंबर। ठीक है, नाउ इनमें से कौन सा की मैनेजरल का डेफिनेशन में कवर नहीं है। तो KMP की डेफिनेशन अगर आपको ध्यान में हो तो आप जानते हैं CEO उसमें कवर है, बराबर। ब्रांच मैनेजर उसमें कवर नहीं होता है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर बन गया। लेकिन आगे के भी पढ़ते हैं, होल टाइम डायरेक्टर को हमने इंक्लूड किया हुआ है, बराबर। आप लोग जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी उसमें इंक्लूड है, और अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट और डेजिग्नेटेड एज KMP बाय द बोर्ड, जिसको बोर्ड KMP की तरह से मान रहा है, बिल्कुल ये भी कवर होता है। तो सिर्फ ब्रांच मैनेजर एक ऐसी पोस्ट हुई जो की मैनेजरल पर्सन के लेवल पर कवर नहीं है। चलिए जी आगे बात कर दें, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेप्ट। अब कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, शुरू से हम लोग पढ़ते आए प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग चाहिए, पब्लिक में कम से कम 7% चाहिए, तो इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। लेकिन ये वॉलंटरी एसोसिएशन कहां पे नहीं लगती है, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा आंसर है, 1% कंपनी नाउ टाइम एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, तो उस पर ये कंसेप्ट नहीं लगता, बाकी सारी कंपनीज पर ये कंसेप्ट हमारा एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में आ गया, इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। आप जानते हैं कॉमन सील की बात हो रही है। एज द कंपनी हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट हैज टू एक्ट थ्रू इट्स एजेंट एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय इट्स एजेंट। फिर यहां जगह हमने ब्लैंक छोड़ा, बी अंडर द सील ऑफ कंपनी, बराबर। तो अब सवाल खड़ा होता है कि मस्ट बी अंडर द सील ऑफ कंपनी, मे बी अंडर सील ऑफ कंपनी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, नन ऑफ द अबव। आप लोग जानते हैं कि नाउ टाइम कंपनी का सील लगाना जरूरी नहीं है, बराबर। आपकी ऑफिशियल सील है तो आप लगा भी सकते हैं, अदरवाइज अगर एक कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर्स के साइन हो गए तो वो भी इक्वलेंट बराबर एप्लीकेबल रहेगा। तो इसलिए हमारा आंसर सीधा सीधा सा यहाँ पे मे में चला जाएगा कि सील अगर है तो भी अलाउड है, सील नहीं है तो भी अलाउड रहेगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पे आगे हम लोग, अ शेयर होल्डर डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप लोगों को मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस का केस याद हो तो एज सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की एसेट में कंपनी खुद ही ओनर होती है ना, तो अगर उसका इंश्योरेंस करवाना भी है तो कंपनी खुद ही अपने नाम से करवाएगी, शेयर होल्डर्स अपने नाम से कंपनी के एसेट का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। सो हमारा आंसर सीधा सीधा सा हो जाएगा कि हाँ भाई ये बात सही है, शेयर होल्डर का कंपनी की प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पे हम लोग आ गए कि भाई कंपनी का खुद का नेशनलिटी और रेजिडेंस होता है क्या, बिल्कुल होता है, हालांकि कंपनी को हम वोटिंग के राइट्स तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बराबर, एज अ सिटीजन नहीं देते, लेकिन नेशनलिटी और रेजिडेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल कंपनी के लिए प्रोवाइड है, तो ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा, ध्यान में रखेंगे। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन KMP की डेफिनेशन में कवर नहीं है, लेकिन आंसर थोड़े इस बार अलग है। कंपनी सेक्रेटरी बिल्कुल कवर है, आप जानते हो होल टाइम डायरेक्टर को भी हमने कवर किया है, सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन
वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है उससे सिर्फ एक लेवल बिलो वाला, जिसको बीओडीज जो है वो केएमपी मानता है। तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, देखिए अपने सेम क्वेश्चन यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट एग्जाम में नहीं मिलेगा कि कोई ऊपर के क्वेश्चन से आंसर कभी कभार मिल जाए आपको इस तरह का, कि जनरली वो सिमिलर क्वेश्चंस नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर हम यहाँ से बेनिफिट लें तो इसको तो हमने केएमपी माना था, तो सर ये नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है? तो लास्ट पॉइंट दिया है डी में सच अथॉरिटी ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल अबव। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पज ही था कि एकदम से जब फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लगता है सर सी और डी ऑप्शन तो सेम टू सेम इन्होंने दिया, तो सर ये तो कोई भी आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ अबव वर्ड लिखा है जबकि होता एक्चुअल में बिलो है, तो हमारा डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर पीएफआई कोई है तो पीएफआई के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? दो रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों में से कोई भी एक चाहिए। नंबर वन, या तो कॉन्स्टिट्यूटेड हो सेंट्रल या स्टेट एक्ट में अदर देन दिस एक्ट और द प्रीवियस कंपनी लॉ, सिंपल एक रिक्वायरमेंट आप लोग जानते हो, ठीक है। सेकंड नंबर, 51% एटलीस्ट शेयर कैपिटल जो है वो हेल्ड करे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। तो दोनों में से जब आप पढ़ेंगे तो दोनों के बीच में और लगा हुआ है, कोई भी एक कंडीशन भी अगर पूरी हुई तो पीएफआई हमारा हो जाता है, तो हमारा आंसर सी चला गया, एनी ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग आगे, एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन, अब यहाँ एक ब्लैंक जगह है, कैन नॉट बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप और बाय इंडिविजुअल पार्टनर। हमारा इलीगल एसोसिएशन सेक्शन 464 काम करता है, जो आप लोग फाउंडेशन भी पढ़ के आए कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कितने से ज़्यादा लोग हों तो वहाँ कंपनीज एक्ट में या सिमिलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो इट बिकम्स इलीगल एसोसिएशन। और वो नंबर था हमारा 50 का, ठीक है, 50 का नंबर है, मैक्सिमम पार्टनर जो है वो 50 हो सकते हैं, उससे ऊपर आप हैं तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाइए, नहीं तो वो इलीगल एसोसिएशन होगा, ठीक है। अगला भी यही हो गया, अकॉर्डिंग सेक्शन 464 इनमें से कौन सा इलीगल एसोसिएशन का एक्सेप्शन नहीं है? इसका मतलब जहां 50 से ज्यादा लोग भी अगर हों तो भी आपको कंपनीज एक्ट या सिमिलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसा एक तो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, सिंगल हिंदू फैमिली, हाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस कर रही है और जहां पे मेंबर्स जो भी इसके फैमिली मेंबर हैं वो इसके भी मेंबर हैं और वो भले ही 50 से ज्यादा हो तो भी अलाउड है, ठीक है। फिर हमने कहा एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप अगर वो प्रोफेशनल्स बनाते हैं जो गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट है, चाहे चार्टर्ड हों चाहे सीएस हों, इन्होंने अगर कोई भी फर्म बनाई है और 50 से ज़्यादा हैं तो हम उसको अलाउड कर रहे हैं। तीसरा हमने कहा जो चैरिटेबल पर्पस से हो, बिल्कुल भी नहीं, ये एक्सेप्शन में हमारा कवर नहीं है, सी वाला, तो हमारा आंसर नंबर सी हो गया। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट। देखिए ये चैप्टर हमारे बहुत सिंपल चैप्टर में है तो बहुत कम ही क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे और चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोर्स में है तो हम कोई भी चांस नहीं लेंगे, अपने को करके जाना है कि हाँ अगर बेसिक इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हमारा थोड़ा सा एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी कि ऐसे MCQ आ सकते हैं। बहुत छोटा सा पोर्शन था। अब अगर मैं डिटेल क्वेश्चन पर बात करूं तो यहाँ पे एक तो हमारा सेक्शन नंबर 3A इसमें काम कर जाता है, हालांकि 3 अपन ने बाद में कवर किया, चलिए वो आगे के टॉपिक्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ हमने सिंपल वही टॉपिक लिया, इलीगल एसोसिएशन पर एक क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे लिया, देखें कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे इस पर बन सकता है। द यूनाइटेड ट्रेडर्स एसोसिएशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टू जॉइंट हिंदू फैमिलीज। पहली चीज तो देखें, दो हिंदू फैमिलीज हैं जिसमें 51 मेजर हैं और 5 माइनर मेंबर्स हैं। जब भी हम कैलकुलेशन 50 की करेंगे उसमें माइनर्स को हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। द एसोसिएशन वॉज कैरिंग द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एज रिटेलर विद द ऑब्जेक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ गेन, ठीक है। द एसोसिएशन वॉज नॉट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट या किसी और लॉ में भी वो कवर नहीं है। आपको बताना है कि इसका लीगल स्टेटस क्या होगा। अब आप देखें, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म अगर 50 से ज़्यादा मेंबर रखती है तो कंपनीज एक्ट या सिमिलर लॉ में रजिस्टर्ड हो जाए, अदरवाइज वो हो जाएगी इलीगल एसोसिएशन। बराबर, बहुत क्लियर है। लेकिन एक्सेप्शन हमने दिया अगर एक सिंगल जॉइंट हिंदू फैमिली है और 50 से ऊपर लोग भी हैं और वो लोग मिल करके एक्विजिशन ऑफ गेन के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अलाउड है। लेकिन इस क्वेश्चन में दो जॉइंट हिंदू फैमिलीज हैं और इनके मेजर मेंबर्स
अगर 50 से ऊपर है तो फिर से सेम प्रोविजन लगेगा, 51 मेजर मेंबर है तो इसका मतलब इनका स्टेटस होना चाहिए इलीगल। आइए पहले इतने क्वेश्चन का आंसर ही पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग सेक्शन 464, एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन 50% कैनॉट बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन और पार्टनरशिप और बाय इंडिविजुअल मेंबर। इफ फॉर्म सच एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप मे बी ट्रीटेड एज इलीगल एसोसिएशन। ठीक है, अगर इस इलीगलिटी को अवॉइड करना चाहते हो तो फटाफट से इसको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए या जो भी सिमिलर लॉ 50 से ऊपर की परमिशन देता है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। एज एक्सेप्शन ज्वाइंट हिंदू फैमिली अगर है, अ हिंदू फैमिली जो बिजनेस कर रही हो उसको हमने एक्सेप्शन दिया। खास बात ये एक्सेप्शन अवेलेबल है सिंगल ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए। आंसर लिखने का तरीका देख लो, सबसे पहले पूरा प्रोविजन हमने समझा दिया है। अब इन दिस क्वेश्चन, मेजर मेंबर ऑफ टू ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज आर मोर देन 50, ठीक है, सो यूनाइटेड ट्रेडर एसोसिएशन इज एन इलीगल एसोसिएशन। समझ गए सीधा आंसर। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, विल देयर बी एनी चेंज इन द स्टेटस, क्या कोई चेंज होगा इफ द मेंबर ऑफ एसोसिएशन इज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस टू 45, अगर सिर्फ 45 जने ही रह जाएं घट करके बाद में। भाई एक बार 51 लोग हो गए, अभी इनके मेजर मेंबर घट के 45 रह जाएं बराबर, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ध्यान रखिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कई स्टूडेंट का डाउट भी था, सर अब तो सर 45 कर दिए ना सर, अब क्या प्रॉब्लम है? भाई लॉ इसकी परमिशन नहीं देता है ना। जैसे टैक्स के अंदर होता है कि एक बार अगर आपने टैक्स का रिटर्न भर दिया है तो नाउ आपका जीरो टैक्स भी है तो आपको रिटर्न वहां पे फाइल करना है ना, मेरे ख्याल से ऐसा प्रोविजन है। ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है बट मेरे हिसाब से ऐसा प्रोविजन है, एक बार आप उस कैटेगरी में आ गए तो नाउ यू हैव टू फाइल, वेदर आपका टैक्स बनता है नहीं बनता है, रिटर्न फाइल करना है। वैसा ही सिस्टम यहां पे है, एक बार आप 50 से ऊपर निकले तो फिर कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन या सिमिलर लॉ में चाहिए। अब आप अगर कभी कर लेते हैं मेंबर को तो भी आपके स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो देयर वुड बी नो चेंज इन द स्टेटस सिंस एन इलीगल एसोसिएशन, क्या लिखा है, कंटिन्यूज टू बी एन इलीगल एसोसिएशन। आपका एक ही तरीका है बचने का, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओ या सिमिलर लॉ में, इवन दो द मेंबर ऑफ एसोसिएशन इज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस टू 45, भले ही फिर वो 45 पे आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए बराबर। तो मेरी बुक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है वो यही है, नेचर ऑफ कंपनीज वाला बराबर, जिसमें हमने कंपनी की क्वालिटीज पे और कुछ सेक्शंस के ऊपर बात की है। सेकंड चैप्टर हमारा क्लासेस ऑफ कंपनीज वाला है, जिसमें बहुत ढेर सारे एमसीक्यूज हमारे पास से बनते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है अकॉर्डिंग माय बुक, और जैसा मैंने कहा आप किधर से भी पढ़ रहे हो कोई टेंशन नहीं, एमसीक्यूज हैं और कंपनी लॉ है, सेक्शन 1 से लगा के 148 के अंदर किधर से भी बनता है, तो हम लोग उसकी सारी तैयारी यहाँ पे करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया है और आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में आप लोग शेयर इसको करिए ताकि एमसीक्यूज का बेनिफिट जो है वो सब लोग ले पाए। तो 30 मार्क्स का हमारा पोर्शन, प्लस साथ में जैसा मैंने कहा डिटेल क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे जितने जितने हैं जितने मेरे क्वेश्चन बैंक में हैं वो सारा कुछ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो एक बड़ा बेनिफिट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ज़रूर चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।